जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो खान साहब, भूखा हूँ, घर में बच्चे भूखे हैं, कोई रोजगार नहीं है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? कोई उठ के आ जाते, मरने दो उनको घर में भूख से, मरने दो, कुछ भी नहीं है, यहाँ से दफ हो जाओ यहाँ से। आपको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। आइंदा यहाँ मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। खान साहब ऐसा मत करो, बुरा वक्त जल्दी आ जाता है, निकलो यहाँ से, बुरा वक्त जल्दी आता है, ऐसा मत करो। बॉस की कॉल है। बॉस अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? हाँ जी जनाब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके लिए एक बैड न्यूज है, आप हमारे से मजीद जॉब वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन क्यों सर, मैंने किया क्या है सर? आई थिंक इसका कोई रीजन नहीं है। आपके पास जो गवर्नमेंट की गाड़ी है वो वापस कर दे, और साथ में ऐसा करें कि जो आपका घर है वो भी खाली कर दे। सर मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं सर, सर मेरा और कोई भी रोजगार नहीं, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। सॉरी आप हमारे साथ इस जॉब में मजीद में नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज। सॉरी भूखा हूँ, घर में बच्चे भूखे हैं, मरने दो उनको घर में भूख से, मरने दो। आपको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, बुरा वक्त जल्दी आता है, ऐसा मत करो, निकलो यहाँ से, बुरा वक्त जल्दी आता है, ऐसा मत करो। आप हमारे से मजीद जॉब वगैरह नहीं कर सकते। बस गवर्नमेंट की गाड़ी है वो वापस कर दे, और साथ में ऐसा करें कि जो आपका घर है वो भी खाली कर दे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक पैगाम है, कभी किसी गरीब को अपने घर से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि गरीब को आपके पास अल्लाह ने भेजा होता है। आपके पास जो दौलत है वो भी अल्लाह ने दी है, अगर अपनी दुनिया और आखिरत बनानी है तो हमें अल्लाह की जरूरत है, और हाँ अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है।